अब मान लीजिए कि 101 बना रहे हैं और नहीं लग रहा है, तब क्या करेंगे? बात नहीं करिए, थोड़ा सा 3 मिनट के समय 101 लगा रहे हैं, बीजी बता रहा है, टोल फ्री नंबर है, टाउन का सभी आदमी करते रहता है, टोल ऐसे उन्हें बीजी एकदम रहता है, तब क्या करेंगे? फायर स्टेशन का टोल नंबर नहीं जानते हैं, उसको नोट कर लीजिए, दिखा भी देंगे यहाँ पर 0641-24-20-22, ठीक, इसको ध्यान रखें 0641-24-20-22 इस पर कर रहे हैं, उस पर भी आप कॉल लगा रहे हैं, आग बढ़ी हुई है, उस पर भी नहीं लग रहा, तब क्या करेंगे? तब क्या करेंगे? अरे इसको तो आप कर दिए, इसका तो आप कर दिए, नहीं हो रहा है ना आपसे, आपको लॉक फेंक रहा है, ये हो रहा है, आदमी का जान में दम जा रहा है, आदमी छकाया हुआ है, तब क्या करेंगे? लगाना है उस समय निकटतम जो स्टेशन थाना उसको आप कॉल करें, ठीक है, निकटतम स्टेशन में वहाँ पर जो थाना है उसके पास वायरलेस सेट है, वो मेरे पास भी वायरलेस सेट है, तुरंत में कॉन्टेक्ट हो जाता है, तुरंत में गाड़ी चढ़ना हो, ठीक, इसको ध्यान में रखे ना कि इतना जगह आप यहाँ हैं, घर पर हैं, इतना जगह करना है कि आग लगे तो जरूर कॉल करें, और गलत कॉल नहीं करें, गलत कॉल में सजा का भी प्रावधान है, 101 कॉल के लिए कटता है उसमें भी 3 महीना ऐसे ही जैसे ने की सजा का भी प्रावधान है कि आप गलत कर दे नंबर की भाई मेरी लाइफ में आग लगा हुआ गलत कर दिए और नाथनगर में उसमें आग लगा दिए तब क्या करें? गाड़ी तो हम यहाँ भेज दिए, नाथनगर में तो ऐसी रह जाएगा, वहाँ ज़्यादा क्षति हो रहा है, तो देख रहे हैं कि कितना मीडिया और दुनिया जाए, इसको भी ध्यान रखें कि गलत नहीं करना है, सही है तो कौन करना। अब आगे आप बता रहे हैं कि आप आग लग गया तो कैसे सूचना देना, तो सबसे पहले देसी कॉल करिएगा, लग गया फायर स्टेशन लगाइए तो लग भी जाएगा, ठीक है, तो वहाँ पर 24 घंटा फायरमैन ड्यूटी में रहते हैं, ठीक है, 24 घंटा वहाँ पर सबका शिफ्ट बाई शिफ्ट ड्यूटी, 2-2 घंटा 3-3 घंटा सबको बता हुआ है रहता है वहाँ, वहाँ पर सबसे पहले अपना नाम बताना है, मोबाइल नंबर बताना है, उस समय हम बता रहे हैं हम लोग स्थिर हैं, जो वहाँ का फायर स्टेशन वो स्थिर है, लेकिन आपके यहाँ आग लगा हुआ है, यदि हम आपको नाम पूछेंगे तो कहिए उसमें चिड़ बढ़ता है अभी कि हमारे यहाँ लगा, आप नाम पूछ रहे हैं, मोबाइल नंबर पूछ रहे हैं, लेकिन जब तक आप दीजिएगा नहीं तब तक गाड़ी वहाँ से चलना नहीं, कितना ध्यान दीजिएगा, ठीक है, नाम मोबाइल नंबर उसमें एड्रेस, एड्रेस भी सही देना है सही पॉइंट पर कि मैंने कि मेरी लाइन के सेकेंड फ्लोर पर मैंने कि इस पार्ट में आग लगी हुई है एकदम सही जगह पर, डायरेक्ट फायर ब्रिगेड आएगा, डायरेक्ट सेकंड फ्लोर के घाट नंबर जहाँ पर आग लगी हो एकदम निश्चित जगह पर चल जाएगा, एड्रेस सही होना चाहिए, खाली कहिएगा मेरी लाइफ से मेरी लाइफ होना चाहिए, है ना, इतना ये चीज ध्यान देना चाहिए। हाँ, अब इसको यूज, जैसे कि इसको यूज करने का, देखिए यहाँ पर इसको खोल लीजिए, ठीक है, देखिए अब यहाँ पर आपको इस CO2 फायर एक्सटिंग्विशर है नहीं, इसको यूज करने के लिए बता रहे हैं, देखिए यह क्लिप है, क्लिप खोल दीजिए, ये खोल दीजिए तो अभी ये घूम जाएगा, और जो है सब खुल गया, अब मान लिया कि आज इस साइड में लगा हुआ है, तो सबसे पहले क्या करिए, ये उठा दीजिए, है नहीं, बस ये उठाने का यही तरीका है, लेके दौड़ जाना है नहीं, ऐसा ही करना, देखिए इसके बाद आप देखिए कि नहीं हो रहा है, दोनों को पैर को चाप दीजिए, आए इतना बन नहीं रहा है, ठीक है, आज यहाँ पर लगी हुई है, देखिए कितना सटीक एकदम होने की इफेक्ट तुरंत में बन भी हो गया है नहीं, कहीं कोई संशय आग बुझा दीजिएगा, भयंकर से भयंकर आग की जो फायर भी है, इसका नाम है प्रोटोकॉल फायर स्टेशन, एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से ले जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं इसको, है किसी भी फ्लोर पे हाथ में एक आदमी लेके जा सकता है, क्या ही है, एक एक आदमी ट्राई कर लीजिए, तो जब तक फायर आ रहा है अब इससे हम लोग इतना कंट्रोल कर सकते करेंगे, अब आप रुक कर सर, एक आदमी एक लड़का है कर लीजिए इस, ताकि आपको भी लगे कितने का ये भाई, अरे सीख लीजिए कम आएगा, आइएगा कहिए सर,
खोलिए। आइए तो प्रैक्टिकल करने का आइए गैस पे चूल्हा बंद कीजिएगा, हो गया। यही चीज है, सिर्फ कुछ भी नहीं है, सिर्फ जानकारी का उसमें डर एकदम नहीं होना चाहिए। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, आवाज करता है जो डरने में कि खोलिए ठीक है। कहें डर भाई के नाम की नहीं। चलिए बहुत ओके ठीक।